प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज परमेश्वर के वचन से एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित होना मेरे लिए आशीष का कारण है। आज परमेश्वर के वचन से भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसके 41 आयत को पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 78 अध्याय उसके 41 आयत 78:41, उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा की और इसराइल के पवित्र को खेदित किया। जब आप उसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, यस अगेन एंड अगेन दे टेम्प्टेड गॉड एंड लिमिटेड द होली वन ऑफ इसराइल। परमेश्वर के लोग, इसराइली लोग, वो परमेश्वर की बार बार परीक्षा करते हैं और उसे सीमित करते हैं। अंग्रेजी में लिखा है दे लिमिटेड गॉड, और हिंदी में लिखा है उन्होंने उसे खेदित किया, यानी उसे दुखी किया। हम कब परमेश्वर को सीमित करते हैं, हम कब परमेश्वर को खेदित करते हैं? जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, जब हम प्रभु के वायदों को लेकर उसे उस तरह विश्वास नहीं करते जिस तरह परमेश्वर चाहता है, जब हम परमेश्वर के सामने उन सवालों को रखते हैं, क्या परमेश्वर मेरे लिए ये कर सकता है? और हम देखें ये इसराइली लोगों के जीवन में उन्होंने तीन सवाल वो परमेश्वर के सन्मुख, भजन संहिता 78 इसराइली लोगों की मरुस्थल की यात्रा के बारे में हमें वो बताता है। भजनकार इसमें लिखता है कि कैसे इसराइली लोग उनकी मरुस्थल की यात्रा में उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने की बजाय उन्होंने परमेश्वर के सामने सवाल रखे। है ना, कई बार आप और मैं भी परमेश्वर पर विश्वास करने की बजाय हमारी परिस्थितियों में कई बार हम भी सवाल करते हैं, और हम देखें वो कौन से सवाल हैं जो इसराइली लोग परमेश्वर के सामने उनके मरुस्थल की यात्रा में, जो कनान के वायदे के देश की ओर जा रहे थे, कौन कौन से सवाल वो प्रभु के सामने करते हैं। उसके 19 और 20 आयत में तीन सवाल वहाँ पर हम पाते हैं। पहला, क्या परमेश्वर जंगल में भोजन परोस सकता है? कैन गॉड प्रिपेयर ए टेबल इन द विल्डरनेस? दूसरा सवाल, क्या वह रोटी भी दे सकता है? कैन ही गिव ब्रेड ऑल्सो? तीसरा सवाल, क्या वह अपने लोगों के लिए मांस का प्रबंध करेगा? कैन ही प्रोवाइड मीट फॉर हिज पीपल? वहां पर तीन सवाल है, कैन गॉड प्रिपेयर, कैन गॉड गिव, कैन गॉड प्रोवाइड। क्या परमेश्वर तैयार कर सकता है, क्या परमेश्वर दे सकता है, क्या परमेश्वर उसका प्रबंध करेगा? ये खाने के संबंधित इसराइली लोग परमेश्वर के सामने वो सवाल उठाते हैं, क्या परमेश्वर करेगा। हो सकता है इसराइली लोगों ने यहां पर वो मरुभूमि में ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर 600,000 से ज्यादा लोगों के लिए कैसे वो व्यवस्था करेगा। उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा है, मिस्र में उन्होंने अद्भुत कार्यों को देखा है, कैसे परमेश्वर उन्हें मिस्र में से निकाल कर लाता है और लाल समुद्र को अपने लोगों के लिए दो भागों में बांट देता है। उस सामर्थी परमेश्वर पर इसराइली लोग विश्वास करने की बजाय, बाइबल बताती है, वो उस पर विश्वास करने की बजाय सवाल करने लगते हैं। उसके 22वें आयत में लिखा है वो क्यों ये सवाल करते हैं, उसका कारण यह है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास ना किया और ना ही उसके उद्धार पर भरोसा रखा। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाए। अधिक संख्या के कारण शायद उन्हें लगा कि 600,000 से ज्यादा लोगों के लिए परमेश्वर कैसे प्रबंध करेगा। शायद हो सकता है आज आपके सामने भी एक ऐसी परिस्थिति में आप हो और आप सवाल कर रहे हो, शायद आपके मन में, शायद आप ऐसे सवाल आपके परिस्थितियों के कारण आप ऐसे सवाल पूछने पर मजबूर होंगे कि क्या परमेश्वर मेरे लिए करेगा। आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं और आप सवाल कर रहे हैं, क्या परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है? Can God prepare? Can God give? Can God provide? क्या परमेश्वर कर सकता है, क्या परमेश्वर करेगा मेरे लिए, क्या परमेश्वर कर पाएगा? लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर वो आपके और मेरे मांगने से और समझ से कहीं परे वो आपके और मेरे लिए कर सकता है। जब इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 20 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है वो परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि वो जो सामर्थ हम में कार्य करती है वो हमारे मांगने और सोचने से बढ़कर हमारे लिए कर सकता है।
शायद आज आपके अंदर सवाल होंगे, शायद आप सवाल कर रहे होंगे, क्या परमेश्वर कर सकता है, क्या परमेश्वर करेगा, क्या मेरे परिवार के लिए, क्या मेरे परिस्थिति में परमेश्वर कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं विश्वास करने से केवल इतना ये हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके लिए कैन का जो मतलब ये है क्या हो सकता है, लेकिन प्रभु कहता है वो कर सकता है। आप कहेंगे क्या हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं कर सकता हूं। उत्पत्ति 14 अध्याय की 18 आयत में लिखा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, क्या यहोवा के लिए कुछ कठिन है? उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। केवल इतना है आप विश्वास करें, केवल इतना है आप विश्वास करें। जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके असंभव को संभव में बदल देगा, आपकी बीमारी को चंगाई में बदल देगा, आपकी कमी को बहुतायत में बदल देगा। क्यों? क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इज अ गॉड ऑफ पॉसिबिलिटीज, He is a God who can prepare, who can give and who can provide. वो आपसे प्रेम करता है, केवल इतना है उस पर विश्वास करें। परमेश्वर को सीमित ना करें, उसे खेदित ना करें, विश्वास कर परमेश्वर की आशीष को पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जब आप इस वचन को सुनते हैं, आप आशीषित होते हैं, मैं चाहूँगा आप दूसरों को भी शेयर करें, है ना, दूसरे भी आशीष पाएं। कई बार हम सुनते हैं लेकिन हम दूसरों के कई बार हम दूसरों को उसे नहीं बता पाते। कई लोग हमारे चारों ओर ऐसे हैं जो ऐसी परिस्थितियों, ऐसे सवालों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जब आप उन्हें शेयर करेंगे वो भी आशीषित होंगे, मिलकर आशीष पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का रहे। आमीन।